हेलो ब्यूटी पीपल, व्हाट्सअप। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू अगरतला बुक फेयर फुटेज। सो आज हम गए थे अगरतला बुक फेयर पे, जो कि हो रहा है हापानिया पे। पहले चिल्ड्रंस पार्क पे होता था, पहले तो बहुत ही मेरे घर से करीब था, अभी दूर हो गया है। ये आप देख सकते हो, ये हापानिया में हो रहा है और ये कितनी खूबसूरत तरीके से इन्हें सजाया गया है। तो कहाँ कहाँ घूमते हैं बहुत सारे कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। बुक के स्टोर में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आजकल सारे लोग पीडीएफ पे ही सारा बुक लिपटा देते हैं। और ये स्टेज सजाया गया था जिसमें प्रोग्राम हो रहे थे, बहुत सारे जो कवि है वो पाठ कर रहे थे अपनी कविताएं, और मैं इधर उधर घूम रही थी कि कुछ अच्छा लग जाए मुझे। मुझे जो मेला है थोड़ा फीका ही लगा। ये स्पाइरल पोटैटो है, जो कि बहुत ही वायरल एक रेसिपी आप बोल सकते हो। आप सबको पता है मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे इसे देख के कैसे हार्ट अटैक वाला फीलिंग्स आते हैं। मैंने बस ये आइसक्रीम ट्राई किया जो 30 रुपीज़ थी, मुझे और नहीं लगा। लेकिन यू कैन ट्राई, क्योंकि इन लोगों के पास से भी खाना चाहिए। और ये पेंटिंग गुजरात से आया हुआ है, सूरत से। बहुत ही अच्छा पेंटिंग था, राधा कृष्ण जी का जो पेंटिंग थे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। 1100 रुपये सबसे बड़ा पेंटिंग बोल रहा था, लेने का मन कर रहा था लेकिन नहीं लिया कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरे ससुराल में ऑलरेडी एक राधा कृष्ण की बहुत बड़ी छवि है, इसे मैंने नहीं लिया है। ये देख सकते हो मेला कितना। প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, আমাদের এই কাকু আছে তোমার, আমাদের এই আগরতলা বইমেলা এখানে এখানে কাকু কুইজ নিয়ে এসছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কুইজ। তো ইনি এখন একটা ইয়ে তুলবে, তাহলে সঠিক উত্তর সঠিক হয়ে গেছে। আচ্ছা যাক, কাকু এখন প্রাইজ দেবে আমাদেরকে। আচ্ছা খুব ভালো, আর কাকু দিল মাক্স, বাহ থ্যাংক ইউ। তো তোমরা যখনই আসবে এখানে, আমাদের কাকু আছে এখানে, অবশ্যই আসবে। এখানে হলো কাকুর কুইজ স্টল, খুব ভালো উদ্যোগ এটা সবার জন্য, ঠিক আছে। ওকে, मैं आप लोगों को मेला का डेकोरेशन दिखा दे रही हूँ। जो लोग अगरतला में है वो तो हर कोई विजिट करेगा, लेकिन चिल्ड्रंस पार्क से हटा के जब यहाँ पर लेके आया ना, तो उतना ज़्यादा भीड़ मुझे नहीं लगता कि होता भी है। और बुक वर्म पर्सन थोड़ा बहुत कम ही दिख रहे थे मुझे। ये स्टेज के सामने है और ये फ्लावर कुछ लगाए गए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही थी। और पूरा आप देख सकते हो, तो बहुत बड़ी एरिया लेके बनाए गए हैं। और ये शेख मुजीबुर रहमान से रिलेटेड बुक्स थे वहाँ पर, शेख हसीना या बांग्लादेश रिलेटेड बुक्स था जो कि मैं देख रहा था। तभी की टाइम की हिस्ट्री जानने के लिए आप इस स्टॉल पे आ सकते हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यू कैनॉट बाई थिंग्स फ्रॉम हेयर, क्योंकि ये कुछ नेशनल कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बुक्स थे, ऑप्शंस थे बहुत सारे, जिनमें से शेख हसीना की मैक्सिमम रिटर्न थे। और ये एरिया पे खाना के सारे कुछ स्ट्रीट फूड का ऑप्शंस दिया गया है। मेला में आओगे तो बिना खाए तो नहीं जा सकते हो, सारे कुछ है। बहुत बड़े एरिया लेके मेला हो रहे थे, तो यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुल लग रहे है ये।
सो गाइज, हम बुक फेयर घूम के आ गए हैं। मैं अपनी घर पे हूँ, ये अपने ससुराल पे आए हुए अभी। तो यही था हमारा बुक फेयर। आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना, कुछ तो बोलो। चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर देना और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।